दोस्तों फाइनली Xiaomi ने अपना Redmi का Note 10 Pro Max इंडिया में लॉन्च कर दिया है और दोस्तों इसकी जो फर्स्ट सेल है वो 18 मार्च से स्टार्ट होगी। दोस्तों मैं आपसे आज इसी फ़ोन के बारे में बात करूँगा क्योंकि दोस्तों सब कुछ क्लियर हो चुका है कि इसकी क्या प्राइस होने वाली है, इसमें आपको क्या कुछ देखने मिलेगा और दोस्तों आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो एक नया फ़ोन खरीदने की सोचते हैं। दोस्तों जो लोग नया फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं वो कुछ टाइम वेट करें क्योंकि दोस्तों 18 तारीख से सेल स्टार्ट होने वाली है और मैं आपको एक इसी स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इस पे फिर बताने वाला हूँ और इसकी डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि ये फ़ोन आपके लिए कितना बेस्ट रहेगा, कितना वैल्यू फॉर मनी रहेगा और ये फ़ोन किन किन लोगों को खरीदना चाहिए और दोस्तों ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो में आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको Redmi के Note 10 Pro Max की पूरी जानकारी देता हूं कि आपको ये कितने प्राइस मिलेगा और ये कब से आपको मिलने वाला है। दोस्तों Redmi का Note 10 Pro Max Amazon के ऊपर आपको मिलने वाला है 18 मार्च से। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि Redmi का जो भी कोई नया डिवाइस आता है उसके दोस्तों तुरंत ही आउट ऑफ स्टॉक सेल हो जाती है, तो इसकी अब दोस्तों कुछ ऐसा ही हल होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की। दोस्तों ये फ़ोन हमें 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। इसके पहले दोस्तों वेरिएंट की बात करें तो वो आता है 6GB 64GB, जो कि दोस्तों आपको 19,000 रुपये का देखने को मिलेगा। दूसरा आता है दोस्तों 6GB 128GB, जो आपको मिलेगा 20,000 रुपये का। और तीसरा आता है दोस्तों 8GB 128GB, जो कि दोस्तों आपको मिलेगा 22,000 रुपये का देखने का। तो दोस्तों ये फ़ोन आपको 20,000 से लेके 22,000 रुपये के प्राइस में देखने को मिलता है। इसके 3 अलग अलग वेरिएंट हैं। दोस्तों जिन लोगों का बजट 20,000 रुपये के आसपास है वो लोग इसकी तरफ देख सकते हैं। प्राइस मैंने आपको बता दिया, कब से मिलेगा दोस्तों यही बता दिया। अब मैं बात करता हूँ इस फ़ोन की डिस्प्ले की। दोस्तों इस फ़ोन में हमें 6.67 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको एक दोस्तों एक पंच होल वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो दोस्तों एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बैक कैमरा की। दोस्तों इसके बैक में हमें 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। यह दोस्तों इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो दोस्तों काफ़ी बड़ा कैमरा है। दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इसका कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, प्लस दोस्तों बड़ी डिस्प्ले है और इसका जो कैमरा दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। दोस्तों इस फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है कैमरे को लेके, वीडियो को लेके। अब दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें दोस्तों मिलता है स्नैपड्रैगन का 732G, जो कि दोस्तों हमें इससे पहले पोको को X3 में देखने में मिला था, जो कि दोस्तों एक काफ़ी बड़ा प्रोसेसर है, काफ़ी दोस्तों परफेक्ट प्रोसेसर है। इसमें आप कितनी भी हैवी गेमिंग करो, कितनी भी मल्टीटास्किंग करो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब दोस्तों बात करें इसके प्रोटेक्शन की। दोस्तों इसके फ्रंट में हमें जो ग्लास होता है उसमें मिलती है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन है। और इसके बैक की बात करें तो दोस्तों इसमें बैक में मिलता है हमें फ्रोस्टेड ग्लास, जो कि दोस्तों हमें वीवो के V20 Pro में देखने को मिला था। तो दोस्तों दोनों ही तरफ हमें काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती हैं इस फ़ोन के अंदर। दोस्तों इसके चार्जर की बात करें तो इसके अंदर मिलती है हमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, जो कि दोस्तों 33 वाट का फास्ट चार्ज जो है हमें बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, तो आपको अलग से चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी बैटरी दोस्तों काफ़ी बड़ी है, 5020 mAh की इसकी बैटरी है, जिसमें दोस्तों आपको 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा अगर आपका नॉर्मल या फिर मीडियम यूज है तो। अगर आप हैवी गेमिंग करते हो, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन यूज करते हो, फिर भी दोस्तों आपको इसमें 1 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके स्पीकर की। तो इसमें हमें डुअल स्टूडियो स्पीकर देखने मिलते हैं, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा साउंड देखने मिलेगा। अगर आप अपने मोबाइल में ज़्यादा सॉन्ग सुनते हो या वीडियो देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के एक ऐसे फीचर की जो दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है। यह दोस्तों इस फ़ोन में हमें 6.67 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो मिलती है, प्लस दोस्तों इस फ़ोन में हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलने वाली है। आपने देखा होगा कि 120Hz दोस्तों हमें हर फोन में देखने को नहीं मिलता। सैमसंग का दोस्तों जो नोट 20 सीरीज है उसमें हमें देखने को मिला था, दोस्तों वही रिफ्रेश रेट हमें इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों बड़ी डिस्प्ले है और रिफ्रेश रेट भी काफ़ी हाई है, तो आपको बिल्कुल भी दोस्तों इसमें जो लैगिंग होती है वो देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों काफ़ी अच्छी कीमत पर ये फ़ोन में मिलने वाला है और इसकी डिज़ाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है,
प्रोसेसर की बात करें वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, आपको मैंने बता दिया। कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों इसके अंदर हमें मिलता है एंड्रॉयड 11 जो कि दोस्तों एमआई 12 के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो आपको इस फ़ोन में हर कुछ सब कुछ देखने को मिलता है जो कि दोस्तों एक यूज़र अपने एक फ़ोन से एक्सपेक्ट करता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि ये फ़ोन किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया, प्राइस भी बता दी, कब से मिलेगा ये भी बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये फ़ोन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें 5G नेटवर्क सपोर्ट करें तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन सिर्फ 4G नेटवर्क सपोर्ट करता है, इसमें आपको 5G देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक 5G फ़ोन देखने सोच रहे हो तो दोस्तों रेडमी के नोट 10 सीरीज में आपको 5G सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये फ़ोन सिर्फ 4G फ़ोन है। और वैसे ही दोस्तों 5G को आने में इंडिया में काफ़ी टाइम लगेगा, और जब आएगा तो उसकी ये भी पता नहीं है कितनी प्राइस पर आएगा। तो जिन लोगों को 5G और 4G कोई मतलब नहीं है वो लोग इस फ़ोन को बिना टेंशन के कह सकते हैं 18 तारीख से, जो दोस्तों अमेजन के ऊपर इसकी सेल मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर ये फ़ोन आपको आउट ऑफ स्टॉक देखने को मिलता है, आउट ऑफ स्टॉक इसका हो जाए अमेजन के ऊपर, तो आप अपनी मार्केट में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। अब चाहे ऑनलाइन फ़ोन हो या ऑफलाइन, आपको आपकी मार्केट में देखने को मिल जाएंगे जब लॉन्च होते हैं उसके कुछ ही दिन बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।